दिल्ली का जाना माना अस्पताल गुरु तेग बहादुर आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। आए दिन कोई ना कोई यहाँ से अचंभित कर देने वाली घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसी ही एक घटना हाल ही में सामने आई है। जानकारी प्राप्त हुई कि जीटीबी अस्पताल में जिस आउटसोर्स कंपनी के पास एनो नर्सिंग ऑर्डरली को भर्ती कराने व उनसे काम कराने का टेंडर है, वह स्टाफ की भर्ती 40,000 रुपए लेकर कर रहे हैं, अन्यथा जरूरतमंद व काबिल लोगों को यह मौका नहीं दिया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल ही में एक जीए डिजिटल वेब प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी यह टेंडर ले रही है, जिसकी भर्ती प्रक्रिया अभी जारी है, जिसकी भर्ती कंपनी के सुपरवाइजर ओमपाल और टीटू लोगों से 40,000 रुपए लेकर कराते हैं और पैसा कंपनी के लोगों व नजराने के तौर पर अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों को भी देते हैं। इस प्रकरण में हमसे बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार, कौन? मैं जी सचिन कुमार बोल रहा हूँ जी। तुम्हारा जीटीवी हॉस्पिटल में ये बहुत ज्यादा धोखेबाजी चल रही है। मैं एनओ भी भर्ती के लिए आया था। अच्छा। और 40,000 रुपए मांग रहे हैं जी। तो इसमें क्या मांग, 40,000 रुपए रिश्वत मांग रहे हैं? कौन मांग रहा है? हाँ जी, ये तो जी ओमपाल जी है, टीटू जी है, ये दो जने हैं। अच्छा, कोई कंपनी है ये जो आई? हाँ जी, एनओ की कंपनी है जी। तो ये तेजन ओमपाल का आपने नाम लिया है, ये कौन है उस कंपनी में? ये वहाँ पे जो है ये सुपरवाइजर है जी। अच्छा, बताएं क्या हुआ? तो उसमें ये 40,000 रुपए मांगे जब भर्ती हो गए जी। आपसे भी 40,000 रुपए मांगे? हाँ जी, 40,000 सबसे मांग रहे जी, इसमें भी है। ये कब की घटना है? ये कल भी घटना है जी। वहाँ पे जी ए आई थे, पता नहीं कौन आए थे, न्यूज वाले आए थे या कौन आए थे, उन लोगों के वहाँ पर ऑफिस में रहे और उन्होंने बातचीत करी तो उनके पास में भी दुरुपयोग हुआ जी। उनके भी उन्होंने टीटू है और ओमपाल है, इनके खिलाफ FIR वगैरह कुछ नहीं की आपने, किसी को कंप्लेंट की? नहीं जी, हमने कोई कंप्लेंट नहीं करी जी। वहाँ पे रहे थे वे तो उन्होंने बातचीत करी तो एक तो जितेंद्र है जी उन्होंने और दो एक बंदे हैं उन्होंने, तो उन्होंने वो अंदर बुलाए और उन्होंने वे धमका धमको इसे वे बाहर निकलवा दिए उन्होंने। उनके साथ में भी बहुत ज्यादा बदतमीजी होगी। इस दुस्साहस के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर कानूनी कार्यवाही की जाए, इसकी मांग की गई है। बहरहाल पूरी जानकारी प्राप्त कर इस प्रकार की इस पूरे खेल में आउटसोर्स कंपनी जीए डिजिटल वेब प्राइवेट लिमिटेड व इसके सुपरवाइजर ओमपाल व टीटू और कुछ अस्पताल के संबंधी प्रशासनिक अधिकारी इस रिश्वतखोरी के धंधे में संलिप्त हैं, जिसकी जानकारी उच्च स्तरीय अधिकारियों को भी है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे जुनून।